कैसे हो भाई नरेन? ठीक हूँ सर। अच्छा हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूं कि एक कमेटी बना रहा हूं जो कि ज्वाइंट वेंचर्स के ड्राफ्ट बनाएगी, तो उसमें एक सीए को रखा है और मैं आपको रखना चाहता हूं। अरे सर, आप जो चाहते आपको ये हो वो, जिम्मेवारी कबूल अरे आप वो तो दूंगा मैं, है? क्या हुआ, एक एफिडेविट दूंगा एक किस चीज का? कि मुझे ये जिम्मेवारी कबूल है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई लाइक दिट। तुम्हारा स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। चलो, अभी आपने हमारा वो स्पीच सुना है क्या, जिसमें हमने प्रेसिडेंशियल घोषणाएं की हैं, धमकी बरसा एक की? सीए वाला लड़के के साथ में जो था, और नहीं एक नहीं नहीं आपने नहीं एक एक हमने इसके साथ एक भी किया, प्रेसिडेंशियल स्पीच ही दिया है उसमें। उसमें और कोई अभी नहीं नहीं है। सुन पाया। और हाँ, उसको देखो, उसको बहुत जरूरी है, जिसमें हमने कहा है कि हाँ धमकी वर्षा कैसे करेंगे। जो आपने बाकी जो स्पीच है उसका ये हाँ हाँ बेसिकली निचोड़ है कि हम उसको जमीन पे कैसे उतारेंगे। ठीक है, उसको और हमने सुनेंगे। उसमें ये कहने की कोशिश की है कि अब आपके हाथ में ऑप्शंस बहुत कम हैं। जैसे यदि आप वो नहीं करेंगे और प्रकृति को दोबारा स्थापित करने की यदि कोशिश नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी हालात बहुत खराब होने वाले हैं। आने बिल्कुल वाले सही कह रहे, 4-5 साल के अंदर ही बीस वर्ष हमारे बिगड़ टू जाएंगे। थर्ड लोग जो है वो कैंसर से सफर कर रहे होंगे, पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन। और जब दो आदमी अस्पताल में होंगे तो एक आदमी उसे अटेंड करने के लिए भी चाहिए। बिल्कुल इसका मतलब है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन कैंसर रिलेटेड बीमारी से जूझ रही होगी, कुछ अस्पताल के अंदर और कुछ अस्पताल के बाहर। आय कहां से आएगी उसके लिए? व्हाट अबाउट द मेंटल अगोनी दे विल बी फेसिंग? कितनी बड़ी मानसिक त्रासना से, फिजिकल त्रासना से, साइकोलॉजिकल त्रासना से, इकोनॉमिक त्रासना से सभी लोग गुजर रहे होंगे। तो क्या समय रहते जो जिस जहर के कारण। अच्छा नरेंद्र, ये बताओ कैंसर क्यों होता है? क्या है कैंसर? कैंसर कई प्रकार की जो हमारी सेल्स होती हैं सर, नहीं, होता क्यों है? ये किसी बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, क्यों हो जाता बैक्टीरिया से होता है। है? नहीं, कैंसर ना बैक्टीरिया से होता है और ना ही किसी वायरस से होता है। कैंसर आपकी सेल का आपके प्रति विद्रोह है, राइट? हम आपके इतने नेचुरल सिस्टम में जो मतलब डिसऑर्डर में चीजें चलती हैं, उसके वजह से होता है फिर, करेक्ट, तो वो क्यों हो रहा है? भगवान ने लेकिन तो सेल ह्यूमन को नेचर इतना में है सर, इतना उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इतना मेंटली अपसेट है आदमी, ये सारी प्रतिक्रियाएं जो शरीर में हार्मोन्स का सेक्रेशन कर रही हैं, उसके साथ में लड़ती रहती है ना, जो अपोजिट क्रियाएं होती हैं, तो लड़ते लड़ते कुछ दिनों बाद वो जो है आप तो हमारे साथ हार्मोन को अग्री हो कहाँ जाती है। छोड़ रहे हैं? देखिए, आप जो है हार्मोनल इंजेक्शन मुर्गियों को लगा रहे हैं, जिसके अंडे आप खा रहे हैं उन मुर्गियों को भी खा बिल्कुल रहे हैं आप, राइट? आप जो है हार्मोनल इंजेक्शन गाय को, भैंस को, बकरियों को लगा रहे हैं, जिससे वो दूध ज्यादा दें। वो दूध के साथ साथ बिल्कुल हार्मोन्स आपके अंदर जा रहे हैं, तो जो है ना वो तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे ना। आप जो है ना हार्मोनल इंजेक्शन और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केमिकल्स सब्जियों में, हाँ, फलों में जो लगा लिंक रहे हैं। फूड और ये ड्रिंक फूड है सर, उसमें इतना ज्यादा दिया जा रहा है, खासकर मिल्क वगैरह में ये बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मिल्क के बारे में थोड़ा सा और गहराई से समझना होगा। आपको ये बात जानना पड़ेगी कि जो मिल्क है, आप कितना मिल्क पैदा करते हैं जितना कंज्यूम होता है, आपको मालूम है क्या? अरे वो तो पता है पर डाटा एग्जैक्ट नहीं पता है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जितना भारतवर्ष में मिल्क कंज्यूम हो रहा है, भारतवर्ष की गायें और सभी कैटल मिला के उसका 1/3 मिल्क ही पैदा करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि 2/3 मिल्क आता कहां से है? तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है कि वो आता है केमिकल ओरिजिन से, जो यूरिया वीरिया ढेर सारे तरीके से दुष्ट लोग जो है, जो नकली दूध नकली घी बनाते हैं, वहां से आता है वो। और इसमें एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च कहती है कि जो ये केमिकल से बनाया हुआ दूध है, बाकी कारण छोड़ दीजिए, आपने बहुत सारे जनक कारण कहे हैं जिसमें कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी बड़ी मात्रा में यूज करने के कारण जो है जो खाद्यान्न है वो भी विषाक्त हो गया है, उस चीज को छोड़ दिया जाए। जो हम
ढेर सारे केमिकल्स मेडिसिन के फॉर्म में ले रहे हैं, तो 84,000 के लगभग मेडिसिन्स हैं, जिसमें से 170 ही मेडिसिन ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत काम की हैं, बाकी सब जो है ना मेडिसिन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही जा रही हैं, और उनमें से बहुत सारी जो मेडिसिन है वो विदेशों में वर्जित भी है। तो मेडिसिन का भी एक बहुत बड़ा असर जो है वो सेल के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अभी इन चीजों को छोड़ दिया जाए, अकेले अपन दूध की बात करें तो दूध के कंजम्पशन के कारण जो लोग 4 साल तक इस विषाक्त दूध को लेंगे, उसके बारे में एक रिसर्च स्टडी का कहना है कि 87% लोग जो है वो कैंसर से सफर करने लगेंगे। इसका मतलब है कि हमारी 66% पॉपुलेशन अकेले दूध के कारण जो है कैंसर की शिकार हो जाएगी, अकेले दूध के कारण, खासकर राइट? अर्बन एरिया तो पूरा कमांड में आ जाएगा इसकी। करेक्ट। तो अब यदि जो है हर 3 में से 2 लोगों को कैंसर होगा, तो लाजमी है कि जब शरीर के जो है ना, जब परिवार के 2 लोग जो है ना कैंसर से पीड़ित होंगे, तो तीसरा व्यक्ति तो अटेंडेंस में ही रहेगा ना। बिल्कुल सही। तो 66 + 33 मीन्स 99%। इसका मतलब है भारत की समूची आजाद जो है आबादी वो कैंसर से या कैंसर से रिलेटेड चीजों से संघर्ष कर रही होगी। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो अब अपने पास विकल्प बहुत सीमित होते जा रहे हैं। एक तो आप ये देखिए कि हमने अपनी दुष्टता से पानी को विषाक्त करके पानी को बॉटल में डाल दिया, वाटर बॉटल में। आप ढेर सारी न्यूज जो है ना वायरल सुनते होंगे, जिसमें कि जो पानी की वाटर्ड बॉटल है वो भी अच्छे पानी की नहीं होती, तो आपसे पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम केमिकल्स, दे आर नॉट इन ट्रू सेंस प्योर एंड फ्री फ्रॉम दीज हार्मफुल केमिकल्स। मेरे ख्याल से कुछ वीडियो जरूर आपने देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखा है सर। देखा है। तो पानी जो है, मैं हमेशा इस बात को कई बार दोहराता हूं कि पानी जो है प्लेनेट का जो है सबसे अबंडेंट रिसोर्स है, और अबंडेंस वाला रिसोर्स है, और ये हमारे जीवन का आधार भी है। मुझे पक्का विश्वास है, आपने सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन भी दी है, उसकी तैयारी कराने में भी आपका रोल रहा है, हालांकि आप कानून के बारे में ज्यादा सोचते थे, देखते थे, बताते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी आपको ये जानकारी होगी कि आपके शरीर का जो 70% हिस्सा है वो बाय वेट इज वाटर। आपको ये जानकारी है क्या? बिल्कुल है। तो देखा जाए प्लेनेट में विभिन्न स्ट्रीम के थ्रू पानी, राइट? समुद्र में पानी, जमीन के अंदर पानी, जमीन के ऊपर मेघ के रूप में पानी, पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर के रूप में पानी, पेड़ों में पानी, और हम सब में भी 70% वाटर। जो तो हम सब जितने ह्यूमन बीइंग हैं और जितने एनिमल्स हैं, दे आर आल्सो वाटर बॉटल, राइट? इसका मतलब है कि सब जगह अराउंड 70% ग्लोब में और अर्थ में प्लेनेट पे पानी ही पानी है। सेवेंटी बिल्कुल परसेंट 70% पानी बहुत ज्यादा पानी का हिस्सा होता है, राइट? और हमने उसको भी स्केरसिटी में कन्वर्ट करके वाटर बॉटल में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत जल्दी जो है हम लोग हवा के साथ भी वही कर रहे हैं। आप तो दिल्ली में रहते हैं, कोचिंग वोचिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको मालूम है कि दिल्ली की जलवायु कई बार बहुत दूषित हो जाती है, और वहां की सरकार एक एडवाइजरी जारी करती है कि साहब हवा सांस लेने योग्य नहीं है, तो आप घरों के अंदर ठहरे। आपने ऐसी एडवाइजरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सर। पढ़ी है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ 20 साल से यही देखता तो आप तो मेरा ये कहना है कि आप बहुत जल्दी ऐसे समय आएंगे कि भाई आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके निकलेंगे, फिर जो है ना कोरोना से भी बुरा हाल होगा। आप जो है ना इस तरीके की वार्तालाप करेंगे कि भाई मेरा सिलेंडर खत्म हो रहा है, जल्दी पहुंचा दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जी सर। तो ये समय आ गया है कि हम इस चीज को रिवर्स करें, नहीं और करेंगे सर। क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो डायमेंशन है, जिसकी हमने पॉलिसी जारी की है, मैं चाहूंगा कि आप उसे बड़ी बारीकी से सुने, अपने मित्रों को भेजें, और हमने कहा बिल्कुल है कि हम इस ईश्वर ने हर जगह अवेंडेंस पैदा की है, हमारी दुष्टता के कारण ये गड़बड़ियां हो रही है। बीच में दिल्ली आने का कोई प्लान होता है? हाँ, होगा अभी।
आप जब दिल्ली आइए इस बार अब आइए तो कुछ हम डाइट बनवाते हैं आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल, लोकल स्तर पर यहाँ पर लोकल चैनल है, 10-5 लोकल चैनल को आदमी हायर कर ले कुछ, समझ रहे हैं ना। और वो थोड़ा हमारी कुछ डाइटें कुछ दिनों तक चलाए वो, या मान लीजिए 1-2 दिन चलाते हैं, उससे लोगों के क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ये माध्यम किसी चीज को अवॉइड करने का बहुत बड़ा माध्यम है मेरे नजर में। अब उसके लिए आज तक की हर चीजें कमर्शियल हो गई है, अभी जानते मैं भी जानता हूँ, तो वो चीजें थोड़ा सा आदमी उसमें कुछ करके उसको मैनेज कर सकता है मेरे हिसाब से, और जो मैनेज कर लेगा वही आज के जमाने का हीरो। सर गलत कह रहा हूँ? देखिए आज के जमाने का हीरा तो हीरा हीरो तो क्राइम फ्री भारत जो है ना मिशन बनने वाला है। वही तो है, शुरुआत में हमें लोगों को एडवाइस करने के लिए सब चीजें करना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं जरा देखता हूँ कि मिस्टर अतुल अवेलेबल हो तो फिर मैं उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में। अतुल जी जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये हमारे पुराने मित्र हैं और इंदौर में रहते हैं, और नरेंद्र मिश्रा जी जो है ये एडवोकेट हैं, वकील हैं ढेर सारे, इन्होंने PIL लगाए हुए हैं, और ये IAS की कोचिंग में लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और साथ में जो है वकालत करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, राइट। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने अभी तक, हमने जो प्रेसिडेंशियल उद्घोषणा कल की थी जिसके तहत मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि धन की वर्षा कैसे होगी, हम जो है कैसे जो भी अभी नेगेटिव चीजें सोसाइटी में हो रही हैं हम क्राइम फ्री भारत की एग्रो पॉलिसी के तहत उसे कैसे अपनी दम पर, क्योंकि दूसरों की दम पे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो कुछ भी करना होगा वो अपनी दम पे करना होगा, तो अपनी दम पर हम ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे अपने देश को मालामाल करेंगे, कैसे जो है बड़ी संख्या में हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, अरोमेटिक प्लांट्स, फॉडर प्लांट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, शहद, दूध और एक्वा कल्चर, ऐसा एक्वा कल्चर जो कि पानी जो है जो कि अभी स्केर्सिटी, ग्राउंड वाटर स्केर्सिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है, पानी का लेवल जो है पहले जो 8-10 फीट पे होता था वो बढ़ के अब 400, 800, 1000 और उसके नीचे मालूम नहीं कितने गहरा चला गया है। आप इस के इम्प्लीकेशन को ठीक ढंग से नहीं समझ रहे हैं। जो बड़े प्लांट होते हैं उनको अपन को पानी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उसकी गहरे जड़ें जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को लेके अपने को पोषित करती हैं। जब इतना गहरा पानी चला जाएगा तो क्या हमारे पेड़ों की क्षमता होगी कि वो अंडरग्राउंड वाटर से पानी ले लें? नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पेड़ खड़े खड़े गिरेंगे। क्या अभी हमने मिस्टर नरेंद्र मिश्रा को एक दूसरे वार्तालाप में ये बात बताई थी कि भारत की पूरी पॉपुलेशन का 2/3 व्यक्ति जो है, इसमें 66 पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और ये कैंसर लार्जली हम जो अपने सेल के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने जो है पानी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और जो दवाइयां खा रहे हैं सब जगह जो है ना इतना केमिकल की ओवरडोज कर दी है कि उससे जो इंट्रिकेटली जो है सेल जिसमें कि आपकी सदियों की मेमोरी थी, इतनी पावरफुल सेल को भी हम कंफ्यूज करने में सफल हो गए हैं। हमने उसे बेसिकली कहना चाहिए कि इतना कंफ्यूज कर दिया है कि वो ओवर ग्रोथ करने लगी, उसको अपना ओरिजिनल करेक्टर, आपको मेरे ख्याल से ये जानकारी है क्या नरेंद्र कि आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल लगभग 2 महीने में बदल जाते हैं? हेलो मिश्रा जी लाइन पर हैं क्या? हाँ मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, एक मिनट। नहीं लेकिन एक भी बार उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया किया। हेलो नरेंद्र, अच्छा मैं दोबारा लेता हूँ उनको और बातचीत को जारी रखते हैं, ठीक है ना जी। तो जी, अच्छा जी, आप बताइए कि आपको ये मालूम है कि नहीं? नहीं सर, आपने ये जो बोला है हाँ हाँ उसमें मुझे ये मालूम है
ओवर 90 मिलियंस ऑफ सेल अपने रिपेयर होते हैं एवरी नाइट। ओके, अपने बॉडी में जब भी अपन रेस्ट करते हैं तो रेस्ट में अपने जो सेल्स हैं बॉडी में वो ऑटोमेटिकली बॉडी उनको रिपेयर करती है। ओके, बट एग्जैक्टली जो आपने बोला वो नहीं है, बट इतना तो है। एक बार आप मिश्रा जी को भी ले लें लाइन पर, फिर अदरवाइज अपनी डिस्कशन हो जाएगा, वो उसमें रहेंगे नहीं। एक सेकंड, अभी वैसा ही करते हैं, मैंने उनको डायल कर रहा हूँ मैं। सर मैं 10 मिनट में फोन कर रहा हूँ, कुछ क्लाइंट बैठे हैं। अभी 2 मिनट उनको होल्ड पे कर दो, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, यू कैन वेट और कॉल अगेन लेटर। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू हैव कॉल्ड, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। एक मिनट, लेट इट बी कॉन्फ्रेंस कॉल। या सो अब मेरे ख्याल से आप सभी दोनों लोग मुझे सुन पा रहे हैं। जी 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 सर। तो मैं अतुल क्या कह रहा था, आप सेल्स के रिपेयर होने का बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि हमारी बॉडी का सेल जो है लगातार परिवर्तित होता रहता है, पुराने सेल से नए सेल बदलते रहते हैं और ये प्रक्रिया हर मूवमेंट जारी रहती है। मतलब 2 महीने के अंदर जो जितने भी सेल है हमारे बॉडी के सारे बदल जाते हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो चाहे वो आपकी हड्डी हो, खून हो, हर 2 महीने में हर चीज रिन्यू हो जाती है, राइट? यस सर। क्योंकि पुराना कोई सेल बचता ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने तक वेट करता है और एक साल रात में जो ना सोते रहे तो सुबह दूसरा बन गया, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई सेल लगातार ही बदलता रहता है, राइट? यस 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 यस। तो जब आपका नया सेल पैदा होता है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, उसमें जो है आपकी पुरानी जनरेशन की इंफॉर्मेशन भी रहती है और ये पिछले 2 महीने का जो भी एक्सपीरियंस है वो भी उसमें जुड़ के उसके उस सेल का हिस्सा बन जाता है। जी। तो जो सेल इतनी पावरफुल हो कि आप केला खाएं तो वो जो है ना आपका शरीर बन जाता है, आप कुछ भी खाएं तो आपका शरीर बन जाता है और कभी कंफ्यूज नहीं होता है, लगातार जो है वो नए सेल में रिप्लेस होता रहता है और फिर भी कभी कोई उसे कंफ्यूजन नहीं होता है, ना अभी तक की चीजों का ना ही आपके पुराने जनरेशन की जो मेमोरी है उसमें। तो इतनी पावरफुल सेल सरकार ने जो है गॉड ने बनाई है, हम उसको कितनी केमिकल बम्बार्डिंग से कंफ्यूज करने में सफल हो गए हैं। तो जब जो है हमारी सेल कंफ्यूज होकर ओवरग्रो होना शुरू हो जाती है, उसका ग्रोथ रेट जो है ना अकस्मातली बढ़ जाता है, इसको कहते हैं कि हमारी सेल जो है बेनाइन से मेलाइन हो गई है, राइट? और जो मलाइन सेल है दैट इज ए कैंसरस सेल। ये बात जानकारी आपको है क्या नरेंद्र? नहीं नरेंद्र जी, आप कोई जानकारी है? मलाइन सेल के बारे में हम जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो इतनी शानदार सेल भगवान ने बनाई है जो कि लगातार बदलती है और आपकी जो भी मेमोरीज है उसमें जोड़ती जाती है, इतनी शानदार चीज को हमने इतनी केमिकल्स और बम्बार्डिंग से उसे इतना कंफ्यूज कर दिया है कि वो कैंसरस हो गई है और अपनी सेल अपने सेल को कई बार नहीं पहचान पा रही है और उसे फॉरेन सेल मान के अपनी ही एंटीबॉडी से उसे मारना चालू कर देती है। इस तरीके की डिसीज को ऑटोनॉमस डिसीज कहते हैं। ओके, राइट? तो ये जो विद्रोह है ये
उन केमिकल्स के कारण हो रहा हो, चाहे वो फर्टिलाइजर के रूप में आपके शरीर में जा रहे हो, चाहे वो जो है हार्मोनल इंजेक्शन के थ्रू आपके शरीर में जा रहे हो, या आप प्रिजर्वेटिव के रूप में ले रहे हैं उनसे आपके शरीर में जा रहे हो, या आप किचन में बाथरूम में जनरल दिनचर्या में जो केमिकल यूज करने लगे हैं वो आपके शरीर में जा रहे हो, या दवाइयों के माध्यम से जो हार्मफुल केमिकल जो है ना दवाइयों में दिए जा रहे हैं वो सब जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? ओके, तो ये जो कल हमने अनाउंसमेंट किया है वो उसमें यही दिया है कि कैसे धन की वर्षा होगी, कैसे किसान जो है ना बहुत सारी चीजें कमाएगा, और कैसे जो है जुड़े हुए लोग। हेलो, जी जी सुन रहा हूँ सर। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उस बात उस वीडियो को जिसमें हमने प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन दिया है कि हम धन की वर्षा कैसे करेंगे, हम फिर से जो है ना अपने वायुमंडल को कैसे शुद्ध करेंगे, कैसे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ेगी, कैसे हमारे जो है जमीन में पानी दोबारा वापस आएगा और पानी हमें 6 से 8 फीट के बीच में मिलेगा, ऐसी पूरी हमने उसमें पूरी कार्य योजना बताई है और उसमें सब जगह धन की वर्षा हो रही है, राइट? तो ये पूरी कार्य योजना जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट के तहत होगी जिसको ज्वाइंट वेंचर कहेंगे, राइट? तो मैं आप लोगों की एक टीम बनाना चाहता हूँ, राइट? आप चाहेंगे तो अपने एक आध और मेंबर को जोड़ना चाहें, अतुल आप चाहें तो एक या दो सीईओ को और जोड़ सकते हैं, नरेंद्र आप चाहें तो एक दो वकील को और जोड़ सकते हैं। अब हमें हर सेगमेंट के लिए एक ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट बनाना है और जितनी भी हमने बातें कही हैं, जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं, उनको जॉट डाउन करना पड़ेगा, और यदि आपको कुछ संशय रह जाता है तो हमारा इंटरव्यू करके उन चीजों को निकालना पड़ेगा, और फिर वो ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट बनाना होंगे जिससे जो बात हम कह रहे हैं इट शुड बी ए ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट लीगली इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, राइट? जी, तो आप दोनों लोग इस जिम्मेवारी को कबूल करते हैं? जी सर। ओके, तो नरेंद्र जी आप अपना नंबर सुनाइए, बताइए। हेलो हेलो अतुल जी आप अपना नंबर बताइए जब तक नरेंद्र की आवाज़। 9826016718 राइट। अब नरेंद्र आप अपना नंबर बताइए नरेंद्र जी। हेलो नरेंद्र, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, ही इज इन कॉन्फ्रेंस बट मुझे समझ नहीं आ रहा उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, तो नरेंद्र आप फटी से अपना नंबर बताइए, इसके बाद इस कॉल को एंड करेंगे। अपना मोबाइल नंबर बताइए नरेंद्र जी। अच्छा, मैं जो है आप लोगों के नंबर आपस में शेयर कर दूंगा, और आप दोनों से मेरी अपेक्षा है कि आप जल्दी से एक दूसरे से बातचीत करिए, एंड 7 दिन में हमको ये ज्वाइंट वेंचर का कम से कम 1 प्रति पैदा हो जाना चाहिए, फिर हमें लग के जो है ना हर क्षेत्र में उस तरीके के ज्वाइंट वेंचर बनाना होंगे, ठीक है ना? ज्वाइंट वेंचर ज्यादा ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट फॉर्मेट, राइट जी। और मेरी आप दोनों से अपेक्षा होगी कि आप लोग आपस में बात करके और इस कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचाएं, और हम बहुत जल्दी इसे जमीन पे उतारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगह सैंपल के बतौर, जैसा हमारे अतुल जी ने हमसे अपेक्षा की थी कि सब आप इसके सैंपल्स कहीं पे चालू कर देते हैं, तो कल हमारी इस बारे में मिस्टर नरेंद्र से भरे जी से बात हुई थी, उनका भोपाल के पास में ही 32 एकड़ का फार्म हाउस है, और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि CFB के माध्यम से हमें उसे, हम जो आप अपनी योजना है उसे क्रियान्वित करना चाहते हैं। ऐसे प्रस्ताव जो है अन्य प्रदेशों से भी प्राप्त हो रहे हैं जिनको बहुत जल्दी हम जो है लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और इसमें बहुत ज्यादा जो है ना हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट और इक्विपमेंट डेवलपमेंट इन सब चीजों में जाना होगा, तो हम जो है अपने स्कैनर के माध्यम से उन लोगों को पहचानेंगे, उनसे जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें अपनी पहल का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है?
जी सर, तो दैट विल बी माय थिंकिंग। तो आप लोगों को मैं एक दूसरे का नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग जो है ना आपस में बातचीत करके, और चाहे ऑड टाइम पर भी आप लोगों को क्यों ना बैठना पड़े, आप आपस में बातचीत करके जरा इस प्रक्रिया में बढ़ जाइए, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट इस पूरी योजना का आधार होगा। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से अन सीए से, अन इंडस्ट्रियलिस्ट से, अन वकीलों से, सभी से अपेक्षा करता हूं कि क्राइम फ्री भारत, क्राइम फ्री भारत एग्रो इनिशिएटिव, क्राइम फ्री भारत आयुष इनिशिएटिव, क्राइम फ्री भारत इन्फोटेनमेंट इनिशिएटिव, क्राइम फ्री भारत मीडिया एंड पब्लिसिटी इनिशिएटिव, इन सभी इनिशिएटिव से जो है ना जुड़िए, और हम सब लोग मिलकर अपनी ज्वाइंट स्ट्रेंथ के आधार पर इस देश को परिवर्तित करें और पुनः इसे सोने की चिड़िया बनाएं, पुनः वैदिक संस्कृति को जमीन पर उतारें, और वो भी मॉडर्न डिजिटल कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हर जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, हर चीज को साइंटिफिकली वैलिडेट किया जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे, और उन रिसर्च पेपर्स को इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रिंट कराया जाएगा, और सीएफबी का अपना भी प्रिंट जो है ना मीडिया होगा, जिसमें कि ये सब जर्नल्स प्रकाशित होंगे, जिसमें कि ये सब चीजें जो है ना प्रकाशित होंगी। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ये लोग हों, यहां पर जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं वो आपको घेर के रखना चाहती हैं, और वो हर अच्छी चीज को दबा देना चाहती हैं। लिहाजा यदि हम इनके ऊपर आश्रित रहेंगे तो ये बहुत सारी चीजों को कुंठित कर देंगे। इस दौरान जब मैंने कोरोना के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की थी, मैंने देखा कि सोशल मीडिया में उसमें बहुत सारी बदमाशियां की गई हैं। तो जो इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस हैं वो चारों तरफ से लगी हुई हैं, वो आपके सोच पर, आपके जो है ना वैल्यू सिस्टम पर लगातार अटैक कर रही हैं। आओ हम सब मिलके खड़े हों, और ये बदलाव का समय आ गया है, समृद्धि का समय आ गया है, वैदिक भारत का समय आ गया है। आओ हम सब मिलके इस वैदिक भारत को, समृद्ध भारत को जमीन पे उतारें, जहां पर कैंसर, ऑटोनोमस व अन्य डिसीजेस बिना इलाज के स्वतः विलोपित हो जाएंगे, जहां पर हमारी सोच में स्पिरिचुअलिज्म होगी, हमारे कार्य में स्पिरिचुअलिज्म होगी। और जब हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं तो स्पिरिचुअलिज्म इज ए ग्रेट साइंस, ये जो है धार्मिक ढकोसलों की बात नहीं हो रही। आई एम टॉकिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म दैट इज बेस्ड ऑन रियल साइंस, इट नोज विच नोबडी एल्स नोज। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अपने आप को बड़ा विज्ञान और बड़ा जो है ना ज्ञान बताते हैं, उनको अभी 10% अभी नॉलेज नहीं है, 10% बहुत ज्यादा है, 1% भी नहीं मालूम है। लेकिन आपके स्पिरिचुअल नॉलेज की डायमेंशन इतनी बड़ी है कि उससे तो कुछ भी छिपा नहीं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनके नाम पे हम बहुत सारे फार्मूलाज को जानते हैं, हमारे ऋषियों ने वेदों में उनको बहुत पहले प्रतिपादित किया हुआ है, चाहे वो आइंस्टीन के तीनों नियम हो, राइट, वो सब जो है लिखे हुए हैं। मैं कहीं पे एक उसको पढ़ रहा था, एक वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे ही, तो आई वाज सरप्राइज कि उसमें ये बात बताई गई थी कि हमारे किस ऋषि ने कौन सा जो है ना साइंस का नियम प्रतिपादित किया है, जो हम कहीं आइंस्टीन के नाम से जानते हैं तो कहीं न्यूटन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों ने कोई ओरिजिनल बात नहीं कही है, क्योंकि हमारे वैदिक चीजें बाहर पहुंच गई थी, उनका ट्रांसलेशन किया गया, इन लोगों ने उसे आत्मसात किया और अपने नाम से प्रकाशित कर दिया। अब समय आ गया है कि भारत का जो सनातन ज्ञान है वो जमीन पे उतरे, बाकी सब चीजें जो है वो अधूरी हैं। अधूरी चीजें कि अधूरापन जो है वो ग्राह्य करना चाहिए, हमें मंजूर करना चाहिए, हमें मानना चाहिए, और तभी हम पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। तो आओ क्राइम फ्री भारत की बृहद सोच के तहत, जिसके अंदर ढेर सारे इनिशिएटिव जारी किए गए हैं, जिसके लिए हमने एक प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट किया है, एक राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष की उद्घोषणा की है, जिसमें हमने ये बताया है कि भारत में कैसे जो है किस मॉडल के तहत हम जो है एक नए भारत को स्थापित करेंगे, जहां पर कि विदेशी लोग, जैसे पहले जब भारत में ढेर सारे विदेशी आते थे और वो यहाँ के ट्रेवलर्स होते थे और यहाँ की कहानियां लिखते थे, ऐसा ही जो है ना होगा। इसलिए हर फार्म हाउस में एक दो जो है ना एडिशनल हट बनाए जाएंगे
क्योंकि उसमें विदेशी टूरिस्ट आके रुकेंगे और भारत की चमत्कारी जो है व्यवस्थाओं को एक बार पुनः अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, तो भारत का वो पुराना नया जो है ना नया वैभव पुनः स्थापित हो सकेगा। मैं अपने जो है ना दोनों साथियों से और आपके माध्यम से विभिन्न साथियों से अनुरोध करता हूं कि आओ इसको जुड़े, और आप दोनों से अपेक्षा करता हूं कि बहुत जल्दी जो है ज्वाइंट वेंचर बनाने का रफ ड्राफ्ट आप हमको जो है ना पेश कर लीजिए, जो जो पहले जो है ना चीजों को अध्ययन कर लीजिए हमारे वीडियोस के माध्यम से, और जहां पे आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं उनके बारे में हम लोग जो है ना फेस टू फेस जो है थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने जो है ना जब भी आप कहेंगे तो हम आपको उसकी लिंक भेज देंगे, एंड यू पीपल कैन रियली क्वेश्चन मी, कैन पुट द क्वेश्चंस एंड आई विल बी इन पोजीशन टू एलाबोरेट दीज पॉइंट्स। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है और ये इसी के आधार पर पूरा कॉन्सेप्ट बेस किया गया है, लिहाजा इसके बनाने में डिले नहीं होना चाहिए। अतुल जी आपकी तरफ से कोई परीक्षा हो, कोई प्रश्न हो? नहीं सर, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। ओके नरेंद्र आपकी तरफ से? आई थिंक नरेंद्र जी के एंड पे कुछ क्लाइंट बैठे हुए हैं, तो मैं ये मान रहा हूं कि इस ऑडियो को वो बाद में भी सुन लेंगे और वो और बाकी जुड़े हुए लोग बहुत जल्दी जुड़ेंगे। और अतुल आपने जैसे राजेश को लाया था, ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, नाउ वी नीड एन नंबर ऑफ द पीपल जो कि इंडस्ट्री से हो, इससे हो, जिनसे अपन वार्तालाप करके जो है ना उनको अपने नेट पे लाएं, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था जो है ना कुछ लोग अपने औकात पे नहीं ला सकते, अपने दम पे नहीं ला सकते हैं। हम सब लोगों की सामूहिक एनर्जी लगेगी तभी इतना बड़ा बदलाव ग्राउंड पे उतरेगा। जी सर, और ये बदलाव शासकीय तौर पर आना भी मुश्किल है, इसके लिए तो हर नागरिक को, हर किसी को हमको अपनी भूमिका करना पड़ेगी, और इस भूमिका को निभाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि धन की वर्षा भी हो रही है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं, मतलब कोई नुकसान ही नहीं है ना। जी सर, हमारे बहुत सारे साथी जो अभी नौकरी कर रहे हैं पेटेंस के लिए, वो पेटेंस की नौकरी क्यों करें, वो छोड़ के पूरी एनर्जी के साथ इसी से जुड़ जाएंगे। अल्टीमेटली हम जो कुछ भी कर रहे हैं धन कमाने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। जी सर, जब क्राइम फ्री भारत में धन की वर्षा होने वाली है और यदि आप उससे कम कमा रहे हैं तो आपको जो आप कमा रहे हैं वो क्यों करना चाहिए, आपकी रेसिडुअल एनर्जी क्राइम फ्री भारत में क्यों लगना चाहिए? आपकी 100% एनर्जी यदि लग सकती है और आपकी कमाई जो है ना आज से चौगुना और पांच गुना और दस गुना हो सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि आप अपनी आधी एनर्जी उधर लगाएं आधी एनर्जी यहाँ लगाएं। लेकिन सर इस चीज में टाइम लगेगा, मतलब आप कोई टाइम नहीं लगेगा, हमने जो घोषणा की है हमारा जो भी जो लोग जो उसके उसके तहत आगे आएंगे उनको हम मैनुअल जो है रिवार्ड घोषित करना चालू कर देंगे, ये हमने पहला रिवार्ड ऑलरेडी घोषित कर दिया है। ओके सो व्हाट वी आर सेइंग कि तब तक हम उसे मैनुअल अकाउंट के बतौर जो है रखेंगे, और जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा उसको उतनी चीजों को अपलोड कर देंगे। जिस दिन हमारा सॉफ्टवेयर ऐप उसका रेडी हो जाएगा उस दिन वो रिडीमेबल भी हो जाएंगे। ओके तो ये जो हमने ये कल से चालू कर दिया है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इशूइंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स टू अवर पीपल, और हमने इसमें कहा है कि आइडियाज के साथ यदि आप आएंगे, आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी ए बी सी, जस्ट फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन ए कैटेगरी पर्सन विल गेट 10,000 रुपीज, बी कैटेगरी पर्सन विल गेट 5,000 रुपीज, एंड सी कैटेगरी पर्सन विल गेट 2,000 रुपीज, राइट? तो जी आइडियाज की और इंटीग्रेशन की भी वर्षा होने वाली है, क्योंकि हमने उसको अपने प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट में ही उसके लिए जगह बनाई है। तो अतुल यदि आपने इसे बारीकी से नहीं सुना है तो मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि इसे बहुत बारीकी से सुने समझे। और हर कोई सुना था, हाँ बहुत डिटेल में, लेकिन मैंने सुना था सर डिटेल में, उसे मैं चाहूंगा एक बार नहीं कई बार सुनिए, ठीक है ना? जी मैं सुन, और उसके पॉइंट नोट करिए, फिर उसके पॉइंट जो है ना आप नरेंद्र से भी चर्चा कर लीजिए, उनका नंबर हम दे देंगे। हमारे साथ तो जो है ना लगभग हजारों वकील जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है किसकी कितनी एनर्जी आए, तो धीरे धीरे जब वो सुनेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ती है। हाँ बेसिकली अपन को सर इसके लिए ऐसा एडवोकेट चाहिए जो बेसिकली जिसका ड्राफ्टिंग में ड्राफ्टिंग का अच्छा एक्सपीरियंस हो। आप तो चालू करिए, देखिए आपकी ड्राफ्टिंग को, देखिए आपकी ड्राफ्टिंग को तो मुझे रिफाइन करना है ना।
देखिए जस्ट ए मिनट, मेरा ये कहना है कि हम एक कचरा डॉक्यूमेंट तैयार करें, उसको अपन थोड़ा सा रिफाइन कर दें, फिर हम और हायर बिलिंग के लोगों को इन्वॉल्व करके उसको और रिफाइन कर देंगे। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक अपन उसको ड्राफ्ट इम्प्रूवमेंट में लगाए रखेंगे। अपन अपन जो है कम से कम एक कच्चा ड्राफ्ट तो जो है ना, जिसकी अच्छी ड्राफ्टिंग है उसके लिए रेडी रखें ना। ठीक है सर, मैं एक बार मिश्रा जी से बात करके फिर स्टार्ट करवाते हैं सर। ठीक है ठीक है, तो चलिए जो है हम हमारे प्रयास जो हम इसको एनर्जी मान रहे हैं ये जरूर ग्राउंड पे फलीभूत होगा। इसी इच्छा इसी भावना के साथ जो है मैं भारतवर्ष की पूरी आबादी को आह्वान करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत से जुड़े। आओ हम सब लोग मिलके देश को जो है खुना वेल्दी बनाए, भैवशाली बनाए, बीमारियों से मुक्त बनाए, जहां पर स्वर्ग तुल्य जो है वातावरण की स्थापना पुनः हो, हमारा जो स्वर्ग तुल्य जो है वैल्यू सिस्टम था वो पुनर्स्थापित हो, हमारी जो वैदिक मान्यताएं थी वो पुनर्स्थापित हो। मुझे जो है अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए किसी एक्ट की जरूरत ना पड़े, हमारे जो है वैवाहिक जीवन को चलने के लिए डिवोर्स और ये जो है ना लिविंग पार्टनर जैसे गंदे कॉन्सेप्ट का सामना ना करना पड़े। आओ ऐसे भारत को हम एस्टैब्लिश करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।